राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने अपना नामांकन बीते दिनों ही दाखिल किया, लेकिन अब तक विपक्ष राज्यसभा उपचुनाव को लेकर कशमकश में दिख रहा है। वैसे नामांकन का आज आखिरी दिन है और विपक्ष अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंच जाएंगे। हालांकि विपक्ष ने एनडीए के विरोध में कैंडिडेट देने के लिए एलजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की थी, लेकिन चिराग पासवान आरजेडी के झांसे में नहीं आए। आरजेडी ने चिराग को ऑफर दिया था कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाए। ऐसे में आरजेडी और तमाम विपक्षी दल उसका समर्थन करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। चिराग ने इसके पीछे बीजेपी राज्यसभा सीट पर दावेदारी को विधानसभा चुनाव के बाद अब और बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसी लिहाज से उन्होंने राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ रखी। लेकिन अब विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह राज्यसभा उपचुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत आगे बढ़े।